जय हिंद इनकलब जिंदाबाद। आई एम जी जी के डब्ल्यू एच क्यू एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आप लोगों तो हम दिखाएं हम लोग का गांव में एमएड डीलर के पास से सरकारी चावल गेहूँ किस तरह से लाते हैं और कहां से लाते हैं, फुल डिटेल्स में दिखाए हैं। अगर आप लोगों में से कोई देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को बताया भी है, दिखाया भी है कि मेरे मौसी का लड़का मतलब मेरा भैया भी एमएड डीलर है और मेरे भैया का अपना सरकारी दुकान है। वहाँ से कस्टमर को सरकारी चावल गेहूँ राशन तेल चीनी सब कुछ सरकारी का राशन देते रहते हैं। तो आज भी दुकान खोले हैं मेरे भैया सरकारी दुकान। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा भीड़ है, आज यहाँ पर इतना भीड़ है जैसे हम लोग का गांव में, हम जहाँ पर एमएड डीलर के पास जाते हैं सरकारी चावल गेहूँ चीनी इसके राशन तेल लाने, उसी तरह यहाँ पर भी भीड़ है। सभी कस्टमर यहाँ पर खड़े हैं पूरा मतलब लाइन बाय लाइन एक एक करके दे रहे हैं सभी। अरे भैया निकले एकदम आटा उटा ले कर एकदम, है ना पूरा है यो पूरा मतलब दे रहे हैं भैया भी। तो अंदर में कौन कौन दे रहे हैं क्या कर रहे हैं पहले खाली होने दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन मिलकर दे रहे इतना कस्टमर को सामान सरकारी चावल गेहूँ जो जिसके मतलब राशन नहीं सॉरी हाँ राशन कार्ड में जिसका जिसका मतलब नाम है और जो जो जिसको मिलना चाहिए वही सब दे रहे हैं। तो आज भीड़ अच्छा खासा है, वहाँ पर देखिए बहुत सारा थैला लाइन बाई लाइन लगा हुआ है यहाँ देखिए। तो चलिए पहले खाली होने दीजिए ये सब, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि सभी कस्टमर यहाँ पर झोला में लाइन लगाने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि लाइन बाई लाइन दे रहे हैं सभी को एक एक करके। तो चलिए पहले खाली होने दीजिए उसके बाद दिखाएंगे। आप लोग पहले भी दिखाए हैं कि दुकान के अंदर कैसा माहौल है क्या है, और आज भी दिखाएंगे कि दुकान के अंदर कैसा माहौल है और कौन कौन मिलकर सरकारी सामान सब दे रहे हैं मतलब सरकारी राशन दे रहे हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईटी भी है जिसमें शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो है। और यहाँ देखिए अंकल जी कस्टमर को सरकारी राशन में जो जो है वही सब दे रहे हैं। और यहाँ पर भैया कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं और जो कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहा है उस कस्टमर का आई प्रिंट ले रहे हैं मतलब रेटिना प्रिंट ले रहे हैं। और यहाँ देखिए भैया और अंकल जी सभी कस्टमर को सामान देते ही रह रहे हैं। भैया का दुकान के पास ही हम खड़े हैं, भैया भी है और भाई भी आए हैं राशन का सामान लेने के लिए, ले लिए हैं और सभी लिए हुए जो जो कस्टमर भैया है भैया भी लिए। और अभी देखिए हम लोग खड़े खड़े हैं तो यहाँ पर देखिए घोड़ा बहुत ही मस्त मगन घोड़ा से चल सुबह का नाश्ता का समय हो चुका है और नाश्ता में मौसी जी दी हुई है उपमा, खा लेते हैं। और यहाँ पर भैया भी दुकान से आए हुए हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मौसी जी भैया के लिए भी किचन से नाश्ता ला रही है, यहाँ भैया के लिए भी नाश्ता आ चुका है और भैया भी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर दुकान चले जाएँगे सरकारी दुकान में सरकारी आदमी। नाश्ता करने के बाद अभी हम रेडी हो गए हैं रघुनाथपुर जाने के लिए और हम जाएंगे और साथ में एक भाई भी जाएगा और भाई का घर मेरे मौसी घर का सामने में ही है। तो दोनों भाई मिलकर अभी रघुनाथपुर जाएंगे और रघुनाथपुर जा रहे हैं आज मेरा भैया का गाड़ी में। आप लोग तो पहले भी वीडियो में बताए हैं मेरे भैया का दो गाड़ी है, एक एक्सीडी और एक अपाची। तो आज हम रघुनाथपुर जा रहे हैं भैया का अपाची लेकर और मेरे बाबा का मोटरसाइकिल मौसी घर में रख दे रहे हैं। अभी हम और ये भाई दोनों भाई मिलकर जा रहे रघुनाथपुर, आप लोगों तो पहले भी वीडियो में दिखाए हैं ये भाई से। और ये भाई बाहर में काम कर रहा अभी गुजरात में हैदराबाद सॉरी हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं। और इनका घर मौसी घर से सामने बोले थे कि यही वाला है उनका घर। और इनका बड़ा भैया वो है जो अभी पत्ता लेकर हाथ में इधर उधर घूम रहे हैं। तो भाई आज चला रहे हैं लालटू भैया का मोटरसाइकिल और जा रहे अभी हम लोग दोनों भाई रघुनाथ ले।
रघुनाथपुर का मार्केट का वीडियो आप लोगों को पहले भी दिखाए हैं, आप लोग में से जो जो नहीं देखे हैं रघुनाथपुर का मार्केट का वीडियो और मार्केट का आसपास का वीडियो, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग फुल डिटेल्स में देख सकते हैं कि रघुनाथपुर का मार्केट कैसा है और रघुनाथपुर का मार्केट का आसपास का माहौल कैसा है। अभी हम लोग आ गए हैं दोनों भाई रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन, और इस जगह में भाई मेरे भैया का मोटरसाइकिल खड़ा कर चुका है। चल हैं तो भाई एप्लीकेशन को पढ़ा नहीं है, पढ़ रहा है, और किस चीज़ की एप्लीकेशन है क्या है सब कुछ हम आप लोग को बताते हैं बाद में, पहले पुलिस स्टेशन का काम कर लेते हैं। क्या जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। मोबाइल मिसिंग का तो एप्लीकेशन देना ही है, उसके साथ एक मोबाइल मिसिंग का फॉर्म भी मिलेगा इस राहुल और संदीप के दुकान में, तो यहाँ पर मोबाइल मिसिंग का फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर पुलिस स्टेशन में सबमिट करेंगे फॉर्म को। मोबाइल मिसिंग फॉर्म देते, मोबाइल मिसिंग फॉर्म तो ले लिए हैं, और अब मोबाइल मिसिंग फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और एप्लीकेशन को दोनों को सबमिट कर देते हैं पुलिस स्टेशन में, उसके बाद जाएंगे कहीं और, तो कहाँ जाएंगे देखते रहिए। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, जिसमें शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो है। पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर से मिलना है वो ऑफिसर कहीं गए हैं, आ रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे। बात यह है कि पुलिस स्टेशन इसलिए आए थे क्योंकि जिस दिन भतीजा का जनेऊ था उस दिन भैया का मोबाइल कुआं में गिर गया था, आप लोग वीडियो के माध्यम से बताए भी थे, तो वही मोबाइल का मिसिंग यहाँ पर एप्लीकेशन और फॉर्म जमा देने आए हुए हैं पुलिस स्टेशन। तो आने दीजिए, पुलिस ऑफिसर से मिलेंगे, एप्लीकेशन और फॉर्म जमा देंगे, फिर कहीं जाएंगे। पुलिस स्टेशन में जो काम था कर लिए हैं, और अब हम और भाई दोनों जा रहे हैं दूध का रस पीने के लिए। तो और सूजी दी दे, देखिए दे बिस्कुट, देखिए दे सूजी, हाँ देखिए दे, हाँ खुला रहेगा एक रस पीने के बाद घर जा रहे थे, तो घर जाते थे याद आ गया कि मौसी जी बोली थी सेव और सूजी लेने के लिए, ये दुकान से हम सेव और सूजी ले लिए, गोलदारी दुकान है, राशन दुकान, और अब घर जा रहे हैं। रघुनाथपुर से घर आ गए हैं, और भाई भी चला गया घर अपना, वो देखिए, और पानी भी टिप टिप बरसने लगा, देखिए भींगा भींगा लग रहा है। चलिए पहुंच गए घर, उसके बाद पानी बरसने लगा। रघुनाथपुर से आने के बाद लंच का समय हो चुका था, लंच करने के बाद हम सो गए थे, और अब सोच रहे कि नहा के फ्रेश हो लेते हैं क्योंकि आज सुबह नहाए ही नहीं थे। नहा के फ्रेश हो गए हैं, और अब शाम का वक्त हो चुका है, और अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि भैया का दुकान में, मतलब सरकारी दुकान में, कस्टमर बहुत ही कम है। अभी सुबह तो कितना भीड़ था ये तो हम आप लोगों को दिखाए थे, और अभी देखिए बहुत ही कम है, दोनों मतलब अंकल आंटी मालिक बैठे हुए हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, और भैया और अंकल जी मिलकर सभी कस्टमर को सभी सामान दे रहे हैं, और भैया मालिक जैसा जो करते हैं ऑफिस का काम वही सब कर रहे हैं, तभी कुछ भी कस्टमर उतना है ये नहीं है, कस्टमर है इसीलिए सभी बाहर में बैठ कर अपना इंजॉय कर रहे हैं। भैया के साथ अंकल जी और भैया दोनों काम करते हैं, और अंकल जी आज से नहीं, मेरे मौसा जी का ये जो दुकान देख रहे हैं ये मेरा छोटा मौसा जी का दुकान है, सरकारी दुकान, मेरा मौसा जी डीलर थे, एमआर डीलर, तो मेरे मौसा जी 2010 में एक्सीडेंट में डेथ कर गए हैं, तो वही वाला काम मेरे भैया को मिल गया है। और जब मौसा जी इस सरकारी दुकान में जॉब करते थे तब से मौसा जी के साथ अंकल जी
साथ दे रहे हैं, निभाते ही रह रहे साथ। और जब बौसद जी चले गए इस दुनिया से हम लोग सभी को छोड़कर, तो भैया इस सरकारी दुकान को संभालना शुरू किए, तो तब भी मतलब अभी भी भैया के साथ खड़े हैं अंकल जी। और अब अंकल जी तो साथ खड़े हैं, साथ में अंकल जी का लड़का, इनका नाम है हीरो भैया, ये भी भैया का साथ देते हैं। मतलब जितना सरकारी चावल, गेहूं, आटा, केरोसिन तेल, चीनी, जो जो आता है सरकारी का सामान, सब कुछ दोनों मिलकर देते हैं। और बात यह है कि खाली भैया का काम है कि जो ऑफिशियल काम सब रहता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, फिर आई प्रिंट्स, यही सब लेते हैं, ऑफिशियल जॉब करते हैं भैया। और जितना सरकारी का राशन सामान रहता है टोटल दोनों मिलके देते हैं, अंकल जी और हीरो भैया। अंकल जी का नाम हुआ पहलना महतो और इनका नाम हुआ हीरो महतो। तो आज से नहीं, बहुत दिन से निभा रहे हैं, तब होंगे तो मन है 40 बस अरे वैसे 40 साल से ऊपर मैंने तुम्हारे लमसम 50 साल से है इस दुकान में अंकल जी। और अब अंकल जी तो एज हो गया, मतलब अभी भी काम कर ही रहे हैं सरकारी दुकान में सर भैया के साथ। और अब इनके साथ साथ भैया भी काम कर रहे हैं, आप लोग परिचय भी करवा दिए दोनों का, क्योंकि काम कर रहे हैं तो हम चलो थोड़ा सा परिचय करवा देता। अभी हम रेडी हो गए हैं मामा घर जाने के लिए, हम मां और मौसी तीनों जाएंगे मामा घर। और मां और मौसी बोल रही कि अपने मायके में, मतलब मेरे मामा घर में कीर्तन देखेगी, और हम भी जाएंगे तो हमको भी देखना पड़ेगा कीर्तन। हमको कीर्तन उर्तन का कोई शौक भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है अभी, तो क्या करेंगे। मां और मौसी को ले जा रहे बाइक में मामा घर, तो वहाँ रहना ही पड़ेगा, कीर्तन देखना ही पड़ेगा। सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा हल्का झलक दिखाएंगे कीर्तन का, कि मेरे मामा घर में किस तरह से कीर्तन होता है। और खड़े रहेंगे वहाँ पर तो हम भी देखेंगे कि मेरे मामा घर में कीर्तन किस तरह से होता है, क्योंकि ऐसे में तो हम कीर्तन देखे हैं मेरे मामा घर में, और बहुत दिन बाद आज और एक बार फिर से देख लेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं मामा घर, हम माँ और मौसी। माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। मामा घर में अभी जिस जगह में कीर्तन हो रहा है, इस जगह को हम पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं, और अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, दुर्गा पूजा का वीडियो है, उसी में ये जगह को हम वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं। आप लोगों तो हम लोग गांव में किस तरह से कीर्तन होता है ये तो हम आप लोग दिखाए हैं, और आज हम आप लोग दिखाएं मेरे मामा घर में किस तरह से कीर्तन हो रहा है ये हम आप लोग दिखाएं। और ये भंग हो रहा कीर्तन, इसलिए राधा का नाम ले रहा है यहाँ पर। हम लोग गांव में बैठक मनाने, जैसे घर घर में जाकर कीर्तन होता है और चना बूट दिया जाता है, मतलब हरी प्रसादी दिया जाता है घर घर में जाके, तो उसी तरह मेरे मामा घर में जहाँ पर कीर्तन होता है वहीं पर बूट मतलब चना का प्रसादी दिया जाता है। यहाँ देखिए चना का प्रसादी दे रहे हैं सभी को। हम लोग घर घर में देते हैं, लेकिन इन लोग जहाँ पर कीर्तन करते हैं यही है इन लोग का हरि कीर्तन, मतलब हरि मंदिर। इन लोग का स्पेशल हरि मंदिर नहीं है अभी मेरे मामा घर में। यहाँ पर चना बूट सबको
प्रसादी वितरण कर रहे हैं। माय अदर चैनल नेम इज नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। मेरे मामा घर में किस तरह से कीर्तन हुआ आप लोग वीडियो के माध्यम से दिखाएं और हम भी कीर्तन देखें। और यहाँ देखिए भैया मस्त मगन एकदम क्रिकेट देख रहे टूर्नामेंट, और अब हम भी देखेंगे T20 टूर्नामेंट। सो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सब्सक्रिप्शन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।